एक आर्मी स्कूल के सामने अचानक एक दिन तीन ट्रक्स आ गए। गार्ड तीनों ट्रक्स को अंदर जाके चेक करता है। पहले ट्रक में तो फ्रूट्स दिख रहे थे, दूसरे ट्रक में बुक्स रखी हुई है और तीसरे ट्रक में स्पोर्ट्स का सामान पड़ा हुआ है। गार्ड को लगा स्कूल के लिए चीजें हैं, तो उसने सारे ट्रक्स को अंदर जाने दिया। थोड़ी देर में स्कूल को टेररिस्ट ने अपने अंदर ले लिया। लेकिन कैसे, स्कूल में टेररिस्ट कैसे आए? आप तीनों ट्रक्स को देख के बता सकते हैं कौन से ट्रक में टेररिस्ट आए होंगे? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बाकी दोनों ट्रक में छुपना मुश्किल है, छुपने के लिए कोई जगह नहीं है और गार्ड ने अंदर से चेक भी किया था। लेकिन फ्रूट्स वाले ट्रक में बड़ी बड़ी बास्केट्स है, मतलब इन्हीं बास्केट में छुपके टेररिस्ट स्कूल के अंदर आए होंगे। टेररिस्ट मांग करते हैं कि उनके बॉस को छोड़ दिया जाए। डिटेक्टिव मेहुल ये केस सॉल्व करने के लिए सीएम ऑफिस में पहुंच जाता है। सीएम का ऑफिस जो सिक्योर था और एक पासवर्ड से लॉक्ड था, क्या आप डोर को देख के इसको खोलने का कोड बता सकते हैं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिए, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स का सम उनका नेक्स्ट प्राइम नंबर दे रहा है। जैसे 2+3 में अगला प्राइम नंबर है 5, 3+5 में अगला प्राइम नंबर है 7, तो 13+17 में अगला प्राइम नंबर हो जाएगा 19, तो कोड है 19। मेहुल सीएम को उसका पूरा प्लान एक्सप्लेन करता है। जैसे टेररिस्ट फ्रूट बास्केट में छुप गए थे, मैं कार में छुप के जाऊंगा और एक एक करके सारे टेररिस्ट की लोकेशन बता दूंगा। प्लान के मुताबिक मेहुल कार के नीचे छुप जाता है और टेररिस्ट का बॉस कार ड्राइव करता हुआ स्कूल के अंदर पहुंच जाता है। बॉस को देख टेररिस्ट बहुत खुश हो जाते हैं और वहीं मेहुल पीछे के रास्ते से स्कूल में घुसने लगता है। पीछे का डोर लॉक्ड है। डोर को खोलने के लिए मेहुल को एक ऐसा बटन प्रेस करना है जो ऑड वन आउट है। तो सोचिए और मुझे बताइए इसमें कौन सा बटन ऑड वन आउट है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। इनमें फिश ऑड वन आउट है। बाकी सारे लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन फिश नहीं कर सकती है। मेहुल फिश वाला बटन प्रेस करता है और डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। स्कूल की बिल्डिंग में जहां जहां भी आतंकवादी बंदूक लेकर खड़े थे, उन सब की लोकेशन मेहुल आर्मी वालों को भेज देता है। इसके बाद मेहुल उस कमरे में जाता है जहां पे टेररिस्ट ने गन पॉइंट पे बच्चों को बंदी बनाकर रखा था। उस कमरे में एक आतंकवादी बंदूक लेकर खड़ा था। मेहुल के पास कोई हथियार नहीं था, तो क्या आपके पास कोई आइडिया है जिससे मेहुल उस आतंकवादी को मार सकता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, आतंकवादी बिल्कुल खिड़की के पास खड़ा है। मेहुल चुपके से घूम के पीछे से जाता है और खिड़की में से हाथ डालकर उसका मुंह दबा देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद मेहुल सभी बच्चों को लेके स्कूल के बेसमेंट में चला जाता है और डोर लॉक कर देता है और आर्मी को शूटिंग के सिग्नल दे देता है। आर्मी मेहुल के बताए गए लोकेशन पे फायरिंग करती है और सारे टेररिस्ट मर जाते हैं। मेहुल ने स्कूल को और बच्चों को बचा लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दीपावली की रात थी और कोई शरारत करके शर्मा जी के घर के बाहर बहुत सारे फटाके फोड़ देता है। जैसे ही शर्मा जी घर के बाहर निकलते हैं तो वहां पर एक छोटा बच्चा था और वो शर्मा जी से कहता है कि अंकल, यहाँ पे एक लड़का आया था जिसने चश्मा पहन रखा था, उसी ने ये शरारत की है और वो सामने वाले घर में भाग गया। शर्मा जी सामने वाले घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां तीन लड़के थे। शर्मा जी तीनों लड़कों के रूम में जाते हैं और फाइनली समझ जाते हैं कि किसने शरारत की थी। तो क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा लड़का है जिसने शरारत की थी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, दूसरे वाले लड़के के पीछे वाली दीवार पर एक फैमिली फोटो है जिसमें उस लड़के ने चश्मा पहन रखा है। इसका मतलब उसने शरारत की और जल्दी से आकर अपना चश्मा छुपा दिया। बाकी दो लड़कों की फोटोज देखिए, उन्होंने फोटो में भी चश्मा नहीं पहना हुआ है। शर्मा जी ये समझ जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुशल जंगल में जा रहा था तभी उसके सामने तीन रास्ते आ जाते हैं। पहले रास्ते पे ताला लगा हुआ था और नीचे 4-5 चाबियां थी। दूसरा रास्ता बड़ा नॉर्मल सा खुला था और तीसरे रास्ते पर एक डेंजरस डॉग था जो इंसानों को कच्चा चबा सकता था। तो क्या आप बता सकते हैं कुशल को तीनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए, ए बी या सी? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
भले ही दूसरा रास्ता खुला है और नॉर्मल सा है, लेकिन कुशल दूसरे रास्ते से नहीं जाएगा क्योंकि डॉग की रस्सी देखिए खुली हुई है और वो कुशल को देख के उसके पीछे जरूर दौड़ेगा, और अगर कुशल ने रास्ता टू लिया तो वो उसे आराम से चेस करके उसे काट लेगा। इसलिए कुशल पहला रास्ता लेगा। वो चाबियों की मदद से ताला खोलेगा, तुरंत अंदर जाएगा और दरवाजा वापस बंद कर लेगा तो डॉग उसे नहीं काट पाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई के एक अपार्टमेंट में एक महिला की मौत हो जाती है। पुलिस वहां पहुंच जाती है तो देखती है कि महिला के हाथ में चाकू है और हाथ की नस कटी हुई है, और चाकू पे मिले प्रिंट्स महिला के फिंगरप्रिंट से मैच हो जाते हैं, तो पुलिस को यह सुसाइड लगता है। तो पुलिस केस को सुसाइड डिक्लेयर कर देती है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंचता है और डेड बॉडी को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि एक सुसाइड नहीं मर्डर है। कैसे मेहुल को यह कैसे समझता है, क्या आप सीन को देख के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टेबल पे एक जूस का ग्लास रखा हुआ है जो आधा है, मतलब महिला जूस पी रही थी। लेडी के 3 नेल्स में नेल पॉलिश भी लगी हुई है और 2 में नहीं है, और नेल पॉलिश की बोतल भी खुली हुई है, मतलब लेडी जूस पीते पीते नेल पॉलिश लगा रही थी। अब कोई नेल पॉलिश लगाते लगाते सुसाइड कैसे करेगा? मेहुल उसी से समझ जाता है कि एक मर्डर है और फाइल वापस ओपन करा के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन सुबह देखता है कि उसके छत पर बहुत सारे सड़े आलू पड़े हुए थे। अब उसके आजू बाजू में 3 घर थे। रोहन तीनों घरों में जाके पूछताछ करता है। पहले घर वाले कहते हैं, हम तो कल रात घर पे नहीं थे, रिश्तेदार के यहाँ थे, अभी सुबह सुबह आए हैं। दूसरे घर वाले कहते हैं, हमारे घर तो पिछले 2 दिन से आलू ही नहीं आए हैं, तो फिर हम आलू कैसे फेंक सकते हैं? तीसरे घर वाले कहते हैं, हम बहुत साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, हम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। लेकिन रोहन तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप समझ पाए? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरे घर वाले झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ध्यान से देखिए, उनके घर के टेबल पर समोसे रखे हुए हैं। अब भला अगर उनके घर पे आलू नहीं थे तो फिर समोसे बने कैसे? इसका मतलब वो झूठ बोल रहे थे। रोहन भी ये समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन चारों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए बच्चे की माँ कौन है, ABCD? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ए तो काफी ओल्ड है, सी तो अभी प्रेग्नेंट है, और डी बच्चे को लेके आ नहीं सकती, उसका हाथ फ्रैक्चर है, मतलब बी इसकी माँ है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।